पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करना भारत के एजेंडे में है और इस दिशा में पहला कदम यूएन जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाया जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज न्यूयॉर्क में अपना भाषण देंगी। उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के हर उस आरोप का जवाब दिया जाएगा जो उन्होंने भारत पर लगाए हैं। सुषमा स्वराज के साथ विदेश राज्य मंत्री एमजी अकबर और तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक भारत संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के खिलाफ सारे पुख्ता सबूत पेश करेगा जो हमलों की जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे हैं। साथ ही कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के तमाम आरोपों का भी आज संयुक्त राष्ट्र में करारा जवाब देने की तैयारी चल रही है। तो भारत समेत पूरी दुनिया यूएनजीए में भारत के विजन डॉक्यूमेंट का इंतजार कर रही है। हर कोई विदेश मंत्री की स्पीच सुनना चाहता है। ये कहना विकास स्वरूप का जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के, वहीं भारत का इस वक्त जिस पर फोकस है वो कश्मीर है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कश्मीर मुद्दा इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। जो ट्वीट किया है विकास स्वरूप ने जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के,